डोली ने देखा माली अपने नवजात शिशु को एक नए कपड़े में लेकर बाहर ले जा रहे हैं। रोते रोते मालिन भी उसके पीछे जा रही है। आया से पूछने पर मालूम हो गया कि ये पिल्ले नहीं, ये बच्ची मालिन का नया बच्चा मर गया है। डोली ने अपनी शंका प्रकट की, कैसे मरा वो बच्चा, भूख से मरा, डोली ने पूछा। तब माया ने कहा, भूख से कमीने बच्चे ही मर जाते हैं। डोली ने पूछा, इसी प्रकार भूख से हम भी मरेंगे? जिस प्रकार मालिन का बच्चा मर गया उसी प्रकार भूख से हम भी मरेंगे? इस प्रकार शंका प्रकट की डोली ने। इसके उत्तर के रूप में आया ने बताया, भूख से कमीने आत्मियों के बच्चे ही मर जाएंगे, आप जैसे बच्चे नहीं मरेंगे। आज से 2 साल पहले मेरा लल्लू, इस प्रकार कहकर आया अपनी बातें बंद कर दी। माने आया बिंदी की का भी एक बच्चा था, उसका नाम है लल्लू, वो तो भूख से 2 साल पहले मर गया। इस विचार में, इसकी याद में वो गदगद हो उठी और डोली को साथ लेकर वह घर के अंदर चली गई। तो इस कहानी में हम दो वर्ग के लोगों को हम देखते हैं। ये तो रईस वर्ग के लोग, माने रईस वर्ग के माने बग्गा साहब, मिसेस बग्गा साहब और डोली, रईस वर्ग के अमीर वर्ग के लोग हैं, और मैनेजर रमन और ज्योति आदि भी रईस वर्ग के लोग हैं। लेकिन गरीब वर्ग के लोग हैं आया बिंदी, मालिन, थोबी और मेहतर आदि गरीब वर्ग के लोग हैं। तो डोली तो गरीब वर्गों में और अमीर वर्गों में कोई भेदभाव नहीं देखती, वो जानवरों और मानवों में भी कोई भेदभाव नहीं देखती। वो मालिक के बच्चे को और कुदिया के बच्चे को समान रूप से देखना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, गोद में लेना चाहते हैं, उसमें कोई भेदभाव वो नहीं रखती है। तो बालिका का स्वभाव है, एक बाल मनोविज्ञान की विशेषता है। इस प्रकार जो बच्चे पैदा होते हैं उनके मन में स्वार्थता, अंदर विरोध आदि भावनाएं मौजूद नहीं होती है। जब वे बड़े होते हैं, बढ़ते जाते हैं अपने जीवन में, तब बुजुर्गों से, अपने घर वालों से या बड़े लोगों से ही ये हीन भावनाएं उनके मन में पैदा होती है। हमें यहां चाहिए बच्चों के मन में, हमारे समाज के अन्य लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उसे लालन पालन करके बैठाना चाहिए। हमारे समाज में जो भेदभाव, जो अंदर विरोध, जो स्वार्थदायी, जो भिन्नदायी आज मौजूद है, उसे दूर करके समान भावनाएं रखते हुए जीने की कला हमारे बच्चों को, साथ साथ हमारे बुजुर्गों को भी सिखाना चाहिए। आत्मिका बच्चा नामक इस कहानी से कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्नों का हम परिचय करें। पहला एक प्रश्न है, माली और धोबी के बच्चे बेहूदे कह गए हैं, इस पर अपना विचार व्यक्त करें।
माली और धोबी के बच्चे बेहूदे कहे गए हैं? इस पर अपना विचार व्यक्त करें, ये तो प्रश्न है। अपना विचार व्यक्त करना है, क्या वे बेहूदे हैं, संस्कार शून्य हैं, ये तो यहां का प्रश्न है। देखिए, ये माली, थोबी, मेहतर आदि इस समाज के आत्मी हैं, उन्हें भी इस समाज में जीने का हक है। हम उन्हें भी इस समाज में जीने का अवसर देना है, उनको जीवन में अच्छे जीवन बिताने में आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती है। बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग, समाज के बड़े लोग इन अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को बेहूदे समझते हैं, यह उनकी स्वार्थता है। धनी लोग धन को ही सब कुछ मानता है, उनके मन में धन के परे कुछ भी नहीं। जो धनी है उनसे वे हिलता मिलता है, बातचीत करता है आदि। तो वास्तव में ये ईश्वर की सृष्टि में ये सब बराबर हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, वकील और नाई के काम का मूल्य बराबर है, जो वकील हो और नाई हो। नाई माने बार्बर, वकील, वकील और नाई के काम का मूल्य बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही लक्ष्य पर ध्यान देकर काम करते हैं, अपने पेट पालन के लिए। उनके काम का लक्ष्य बराबर है, समान है। इसलिए हम कैसे वकील को बड़ा माने और हमारे न्यायी को छोटा माने, ऐसा मानना उचित नहीं है। इसलिए धोबी, माली, मेहतर जो हमारे लिए आवश्यक बुनियादी काम करते हैं, वे हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं। उन्हें हमारी आवश्यकता है, हमारी माने दोनों की, परस्पर सहयोग से ही इस समाज का जीवन चलता है। इसलिए कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, कोई भी किसी से छोटा नहीं। थोबी, माली आदि के बच्चों को, आदि लोगों को बेहूद समझना बिल्कुल उचित नहीं है। और एक प्रश्न है, आया बिंदी की सहानुभूति किसके साथ है और क्यों?